फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल स्टडी एंड जॉब अपडेट में। तो मैं बहुत सारी जॉब अपडेट लेकर आता रहता हूँ और फ्रेंड्स टेक्निकल स्टडी भी कराता हूँ। तो आज मैंने एक चैप्टर उठाया, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। तो इस चैप्टर के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि दुर्घटना कैसे हो सकती है, दुर्घटना के क्या क्या कारण होते हैं, दुर्घटना किसे कहते हैं, दुर्घटना रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा मैं आपको इस चैप्टर के अंदर समझाऊँगा। तो पूरा मैंने ये चैप्टर लिया है। इस तरह से मैं ITI और CITS में जो भी चैप्टर आते हैं वो मैं चैप्टर धीरे धीरे कवर करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि दुर्घटना क्या होती है। अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना को दुर्घटना कहते हैं। कोई भी हम कंपनी में कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पे तेल पड़ा रहता है, कहीं पे नट बोल्ट पड़े रहते हैं, फिसलन जैसी स्थिति बनी रहती है वहाँ पे। तो वहाँ पे यदि हमारा पैर फिसल जाएगा तो हम गिर जाएंगे, और इधर उधर लोहा पड़ा रहता है, कहीं कुछ होता है तो उससे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है ये अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना को दुर्घटना कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कार्यस्थल दुर्घटनाएँ या औद्योगिक दुर्घटनाएँ सिर्फ ये होती हैं जो कार्य परिस्थिति तक कार्य संपादन प्रणालियों में हुई त्रुटियों के कारण घटित होती हैं। तो जैसे हमारे कोई कार्य करने में असावधानी बरत रहे हैं हम, या और कोई हमारा टूल ख़राब है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी स्पैनर ख़राब है, तो इस वजह से दुर्घटनाएँ होती हैं। उन्हीं के बारे में आपको पूरा बताऊँगा। तो अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण, ठीक है फ्रेंड। कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, की एक्सीडेंट्स जो फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह से एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं। तो पहला हमारा है पॉइंट है असावधानी, यानी कि केयरलेसनेस। कारखानों में होने वाली अधिकतर दुर्घटना असावधानी के कारण होती हैं। कार्य करते समय कार्य की चिंता के साथ साथ कारीगर को अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो ये दुर्घटना केयरलेसनेस यानी असावधानी की बात की, इन्होंने कारखानों में होने वाली दुर्घटना असावधानी के कारण होती हैं, ठीक है। मतलब सावधानी, जैसे हम कोई कार्य करना है, जल्दबाजी में कार्य करना है, हमारे ओवर प्रोडक्शन डाल दिया कि आपको इतना प्रोडक्शन देना है, तो हम जल्दबाजी में कार्य करते हैं और इस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और हम दूसरों का भी ध्यान नहीं रख पाते। तो हमें जब भी कार्य करना है तो दूसरों का भी ध्यान रखना है, अपना तो रखना ही है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करूँगा मैं अरुचि की, ठीक है फ्रेंड्स। ये अरुचि यानी कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमारा मन नहीं है कार्य करने का, हम ड्यूटी करने आ गए तो भी एक्सीडेंट की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए कभी कभी कारीगर कार्य में रुचि खो बैठता है, ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। रुचि ना होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक समस्या, फैक्ट्री में पैसा ना मिलना या अपूर्ण मिलना, किसी गलती के कारण डांट पड़ना या फिर किसी से झगड़ा हो जाना। तो इतने कारण होते हैं कि जिस तरह से हमारा एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। यदि हम काम करने जाएँ तो पूरे मन से कार्य करें वहाँ पर। ये मान लो कोई हमारी फैमिली प्रॉब्लम है तो हमें वहाँ पर सोचना नहीं है उसके बारे में, जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर ही ध्यान देना है हमें। अगले पॉइंट की बात करूँगा मैं, अगला पॉइंट है हमारा जल्दबाजी, ठीक है फ्रेंड्स। जल्दबाजी का मतलब होता है हस्टीनेस, यानी कि कारखाना मालिक के दबाव के कारण या अपने अधिक लाभ के लिए कारीगर आवश्यकता से अधिक जल्दी करता है, इसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बहुत कारण होते हैं जिससे कि हम जल्दबाजी करते हैं। कोई आ गया, मैनेजर आ गया, कोई सुपरवाइजर आ गया, वो कहेगा भाई जल्दी जल्दी कार्य करो, तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ जगह होता है कि उन्हें जो पीस बनाते हैं कंपनी में, वो उनको घंटे के हिसाब से मिलता है कि आपको इतने घंटे में बना के देनी है, तो इससे भी ऑपरेटर दबाव में रहता है। और होता क्या है फ्रेंड्स, कुछ जगह पैसा भी मिलता है कि आप इतने पार्ट्स बनाएंगे तो आपको इतना पैसा अधिक मिलेगा। तो इस तरह से लोग जल्दबाजी में कार्य करते हैं, तो इससे भी एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्ञानता यानी इग्नोरेंस, ठीक है। जिस उपकरण के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी अपनी झूठी शान दर्शाने के लिए कारीगर ऐसा कार्य करने लगता है जो दुर्घटना का कारण बन जाता है। मान ली कोई मशीन है, कोई आया नया वर्कर आया, वो कहने लगा भैया आपको मशीन आती है चलानी, तो आपने कहा हाँ आती है मुझे, और आपको पता है नहीं तो आपने उसको चला दिया, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए जो चीज़ आपको नहीं आ रही उस पर बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। बट पाँच नंबर की बात करूँगा उत्सुकता, यानी कि कुर्सिटी। उत्सुकता मानव स्वभाव में बसी है, परंतु इन पर कारखानों में कार्यकारी को अंकुश लगाना होता है। ज़्यादा उत्सुक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार बन जाता है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं कर दूँगा इस कार्य को, लेकिन फिर भी नहीं करना है, जो भी सिस्टम उसके अनुसार ही करना है, क्योंकि इससे दुर्घटना के चांस बढ़ जाएंगे। आगे बात करूँगा फ्रेंड, असुरक्षित हस्त औजार, यानी कि अनसेफ हैंड टूल्स। कई कारखानों में मशीनों का रखरखाव ठीक ना होने के कारण मशीन असुरक्षित व्यवस्था में प्रयोग होती रहती हैं, जो एक दिन दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसी प्रकार असुरक्षित हस्त औजारों से दुर्घटना हो सकती है, जैसे बेट फटा हुआ, हथौड़ा, फाइल, मशरूम, हेलमेट, चेन। जैसे मान लो आप हथौड़ा यूज कर रहे हैं, उसका बेट फटा हुआ और आप उसको लगातार ठोके पीटे जा रहे हैं किसी चीज़ को, तो इससे भी दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब ये उनके चित्र दिखाए गए, ठीक है फ्रेंड। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे हैंड टूल्स उपयोग नहीं करना है। असुरक्षित पहनावा, अनसेफ ड्रेस, ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि का प्रयोग भी कारखाने में वर्जित होता है, क्योंकि ये सब भी असुरक्षित पहनावे की श्रेणी में आते हैं। कारखाने की आवश्यकता के अनुरूप ही
कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बाल बड़े नहीं रखने हैं, कपड़े ढीले ढाले नहीं पहनने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आगे फ्रेंड्स बात करूँगा, 7 नंबर हमारा पॉइंट है इसका, असुरक्षित अभिन्यास, अनसेफ लेआउट। कारखानों में विभिन्न मशीनें लगाने के समय उनके पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए, कई बार अब तो स्थान होने के कारण दुर्घटना घट जाती है। जब फ्रेंड्स कंपनियों में लेआउट बनाई जाती है, ऐसे मशीनें लगाई जाती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी जगह पे मतलब कई कई मशीनें लगा देते हैं, तो उससे मूवमेंट करने में आसानी होती है, मूवमेंट करने में आसानी नहीं होती, इससे दुर्घटना का कारण ये बन जाता है। 9th नंबर पॉइंट है हमारा, काम करने का गलत तरीका। ठीक है, अनजाने में कई बार कारीगर काम करने का गलत तरीका अपना लेता है, जैसे बिना हैंडल के रेती से फायर करना, तो ये भी एक दुर्घटना का कारण बन जाता है। आगे पॉइंट बात करूँगा 10 नंबर की, स्वच्छता की कमी। शॉप फ्लोर की ठीक से सफाई ना होने के कारण दुर्घटना हो सकती है, जैसे तेल पर पैर स्लिप होना, कहीं भी ठोकर लग जाना इत्यादि, तो इससे भी दुर्घटना हो जाती है। कहीं भी तेल वेल पड़ा तो उसकी प्रॉपर सफाई करा देनी चाहिए। अनुशासन की कमी, ठीक है, 11 नंबर है अनुशासन की कमी। अनुशासन न होने के कारण कर्मचारी आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं तथा इसी हंसी मजाक में कई बार दुर्घटना हो जाती है। आगे बात करूँगा फिर प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। प्रकाश की कमी के कारण दुर्घटना हो जाती है। कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थी कारीगर जहाँ व्हीकल पर कार्य करता उस स्थान पर पर्याप्त प्रकाश पड़ना चाहिए, यदि वहाँ पर पूरा प्रकाश नहीं मिलेगा तो कई बार ये दुर्घटना का कारण बन जाता है। आगे बात करूँगा फिर अस्वस्थता या थकान। कभी कभी श्रमिक आर्थिक तंगी के कारण बीमारी या कमजोर होते हुए भी काम पर आ जाता है तथा चक्कर खाकर कमजोरी के कारण गिर सकता है, जो दुर्घटना की श्रेणी में आता है। पैसे के लालच में श्रमिक अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु थकान के कारण चोट खा बैठते हैं। तो इस तरह से ये बहुत कारण होते हैं फ्रेंड्स, जो दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं। आगे बात करूँ फ्रेंड नशे की आदत। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉक्सिकेशन यानी बहुत से कारीगर नशे की आदत के शिकार हो जाते हैं, तो कभी कभी नशे की अवस्था में ही कार्यशाला में चले जाते हैं। ऐसे कारीगर स्वयं तो दुर्घटना के शिकार होते हैं, साथ ही दूसरों के लिए भी खतरा हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कारण मैंने आपको बताया जो दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। अगला टॉपिक में फ्रेंड्स रखूँगा अपना प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड का, तो ये भी बहुत जल्दी टॉपिक आपके सामने आएगा। तो आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ये थ्योरी ITI फिटर मशीन की थ्योरी आपके लिए डेली डेली के टॉपिक अपलोड करूँगा, क्योंकि ITI इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है आगे, तो इसलिए की तैयारी को ध्यान में रखकर ये सब तैयारी में शुरू करवा रहा हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद।